हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बहुत ही ज्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे कि कुछ लोगों में क्या होता है कि उनके पैरों के तलुओं में जो है जलन होने लगती है, तो वो जलन क्यों होती है, आखिरकार क्या कारण है उसका, और क्या लक्षण होते हैं, और क्या इलाज होता है। तो सब कुछ एक एक चीज हम आपको उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। हो सकता है आपने इससे पहले भी काफी सारे वीडियो देखी हूँ यूट्यूब पर ही, बट इस वीडियो में जो आप एक नॉलेज अच्छे से नॉलेज लेकर जाएंगे, एक अलग ही नॉलेज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगर किसी के पैरों में तलुओं में जलन होती है तो उसको कैसा लगता है। दोस्तों, ऐसे लगेगा उसको, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होगी उसके तलुओं में, पैरों में उसकी जलन सी होगी, जहां पर भी उसके ये जो पैर का तलुआ होता है नीचे, उसमें जलन सी होगी, सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन होगी, ऐसा लगेगा कुछ जल रहा है नीचे, हीट मार रहा है। उसके अलावा टिंगलिंग होगी, मतलब पैरों में जो है उसके झंझनाहट सी लगेगी। इसके अलावा जो है नीडल प्रिक, जैसे पैरों में अगर कोई सुई वगैरह चुबाएंगे तो उसको जो है ज्यादा एहसास नहीं होगा, फिर सुन्नी सी आएगी। तो ये जो सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कारण क्या आता है इसका, क्यों ऐसा होता है, मतलब किन किन वजहों से पैरों में तलुओं में जलन होती है, कॉज क्या होता है। तो दोस्तों, कुछ इसमें रीजन होते हैं, जैसे कि किसी के न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, न्यूरॉन जो है उसके वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ डायबिटिक पेशेंट हैं, तो डायबिटिक जो मरीज होते हैं उनके भी नसों में दिक्कत आने लगती है, न्यूरॉन में दिक्कत आने लगती है, तो डायबिटिक मरीज जो होते हैं, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, उनके भी तलुओं में जलन सी रहने लगती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति ऐसा जो अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करता है, अल्कोहल ज्यादा पीता है, शराब का सेवन ज्यादा करता है, तो उन उसके भी तलुओं में जो है जलन पैदा होने लगती है, जलन महसूस होने लगती है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं या महिलाएं जो जिनके अंदर विटामिन की कमी होती है, जिसमें विटामिन B6 है, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B9, बी कॉम्प्लेक्स की अगर कमी है किसी की बॉडी में, तो उन लोगों के पैरों में भी तलुओं में भी जलन सी महसूस होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की कमी है, अगर किसी की बॉडी में कोई न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, वो सप्लीमेंट अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो उन लोगों के तलुओं में भी जलन होती है। दोस्तों, इसके अलावा जो किडनी के पेशेंट है, किडनी डिसीज है जिनको, मतलब किडनी में उनके जो है इन्फ्लामेशन आ गया है, सूजन आ गया है, UTI से इन्फेक्शन हो रहा है उनको कोई, तो उनके भी तलुओं में जलन सी रहने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायरॉयड ग्लैंड जो पूरी मात्रा में थायरॉयड हार्मोन नहीं निकाल पाती है, प्रॉपर मात्रा में थायरॉयड हार्मोन नहीं निकाल पाती है, जो T3 T4 होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी, जो उन लोगों के तलुओं में भी जलन होने लगती है। दोस्तों, ये तो थे इसके कारण, कॉज क्यों क्यों होती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। दोस्तों, सबसे मेन पार्ट वीडियो का यही है, आप पूरा देखकर जाना वीडियो को, अगर यहाँ तक आ गए हैं आप तो ट्रीटमेंट जो दोस्तों इसका डिपेंड करता है सिम्टम्स और कारणों के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें जो है पहली जो दवा होती है, तो पहली दवा होती है नसों को ठीक करने के लिए दी जाती है, जो न्यूरॉन वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए दी जाती है। उसी से ही दोस्तों जो विटामिन की कमी होती है वो भी उनसे ही पूरी हो जाती है, जैसे विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, जैसे जिसमें कि न्यूरोबियन फोर्ट आती है, या फिर प्रीगाबा एम आती है। दोस्तों, मिथाइल कोबालामिन और प्रीगाबा लिन जिसके अंदर होता है, तो वो भी नसों के लिए बेहतरीन टेबलेट होती है। इसके अलावा दोस्तों मेकोनर्ब आती है, बहुत सारी और भी टेबलेट आती है, बट जो मेन थी वो हमने आपको बता दी। आप चाहें तो कोई सी भी खरीद सकते हैं जिसके अंदर विटामिन B12 और जो मिथाइल कोबालामिन, प्रेगावालिन, कोई इनमें से कोई भी साल्ट होंगे तो आप खरीद सकते हैं, कंपनी या फिर ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है। बात करते हैं डोज की, तो इसको लेने का जो सही तरीका होता है दोस्तों, एक टेबलेट ओडी ली जाती है, मतलब इनमें से एक ही टेबलेट लेनी है, सब नहीं लेनी है, कोई भी एक टेबलेट ओडी ली जाती है, दिन में एक बार ली जाती है। इसके अलावा अगर फिर भी उसको लगता है कि अभी उसको आराम नहीं मिल रहा, तो न्यूरोकाइन प्लस नाम से एक टेबलेट आती है, इसके अंदर मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स होते हैं काफी सारे, तो फिर न्यूरोकाइन गोल्ड आता है, फिर न्यूरोकाइन नाम से एक इंजेक्शन भी आता है, अगर टेबलेट या कैप्सूल से रिलीफ नहीं मिलता तो उसको इंजेक्शन भी लगाने की सलाह दी जाती है, न्यूरोकाइन इंजेक्शन जो IM और IV दोनों लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये होता है पैरों में तलुओं का जलन का इलाज, ये फिर कारण और उसके लक्षण, तो तीनों चीजें हमने आपको अच्छे से बताई, डिटेल से बताई। अगर आपकी वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।